नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 8 हम करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक की का गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। हमारे पास पहला भाग है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a²b प्लस 6ab²। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले ये a³ प्लस b³ प्लस 3ab वाला कुछ बनेगा, तो उसके लिए हमें करना क्या है, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। कैसे मॉडिफाई करना है देखो ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास आना चाहिए a³। a³ के लिए देखो यहां पर इस पूरे का क्यूब बनाना पड़ेगा। अब ये सिर्फ ये क्यूब जो है सिर्फ a का है, हम इसको पूरे में कुछ ऐसा चेंज करेंगे ताकि पूरे का क्यूब बने। देखो कैसे, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा a, तो a का क्यूब हो गया a³। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं जिसका क्यूब 2 हो। तो हमें पता है कि 8 जो है ये 2 का क्यूब होता है, 2 दुनी 4 दुनी 8। ठीक है, तो अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं 2a, इसका होल क्यूब 8a³ के बराबर होगा। इसी प्रकार से यदि यहां देखें b³, तो ये हो गया a³ प्लस b³। ठीक है, अब यदि फार्मूला याद हो आपको तो a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab। ठीक है, तो वैसे ही हम इसको बना के देखेंगे। 3 इंटू ए, ए है ये वाला 2a, इंटू बी, बी है ये वाला, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट a प्लस बी, ए है 2a प्लस बी है बी। लेकिन अभी हमें ये चेक करना है कि क्या हमने ये ब्रैकेट सही बनाई है या नहीं। देखो कैसे चेक होगा, इस पूरे को पहली नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 दुनी 6 इंटू ए बी इंटू 2a, 6 दुनी 12, a गुना a² 12a² साथ में है b, 12a² b। देखो पहली रकम है 12a² b, बन गई ना। अब ये जो है 3 दुनी 6 इंटू ए बी, 6ab को b से गुना कर दो, तो 6ab को जब b से गुना किया तो 6a ऐसे ही रह गया, साथ में आ गया b, b गुना b हो गया b², तो 6ab को जब b से गुना किया तो हमारे पास आ गया 6ab². देखो 6ab², इसका मतलब हमने इसको तोड़कर ये बनाया है, बिल्कुल ठीक बना है ये। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये एक सर्वसम्मिका बन गई है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये बराबर होता है a प्लस बी होल क्यूब के। तो हमारे पास जो ये रकम बनी ये होगी a प्लस बी होल क्यूब के, तो a है 2a प्लस b है b, इसके होल क्यूब के बराबर। यदि यहां भी उत्तर को छोड़ सकते हैं, और यदि होल क्यूब है तो इसको आप 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, इसका इसका ये गुणनखंडन आ गया। इसे आप यहां भी छोड़ सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये दिख रहा था कि a³ प्लस b³ प्लस 3a²b कुछ ऐसा बनेगा, तो मैंने इसको पहले ही इस फॉर्म में बनाया ताकि ये a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी के साथ मैच हो सके, और वो जो है a प्लस बी होल क्यूब के बराबर होता है, और इसीलिए हमने इसको 2a प्लस बी होल क्यूब के बराबर लिखा। और होल क्यूब का मतलब होता है ये ब्रैकेट इसी से 3 बार गुना हो जाएगी, वो हमने कर दिया। तो ये ही इसका गुणनखंडन है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और यदि अच्छे से समझ आया तो बच्चों प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमें हौसला मिलता है और ज्यादा मेहनत करके वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।